मधुपुर उपचुनाव में क्या लगता है कि महागठबंधन की प्रत्याशी जो हैं वो जीत पाएंगे या जिस तरह? देखिए, बीजेपी का अपना बिजनेस है, उसके बिजनेस पे हम जाना नहीं चाहते हैं, और हमारा बिजनेस का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन है और गठबंधन का जो वोट है वो एकमुश्त है, और उस वोट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए के ये लंबे चौड़े बातों पे जिस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, पल्ला ये सब चला रहा है, उस पर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो जेन्युइन वोटर, हमारा जो आदमी है, हम उस पर विश्वास रखते हैं, और हम अपने ज़मीन पे काम करेंगे, और ज़मीन पे जब हम मजबूती से काम करेंगे तो फसल भी मेरा निश्चित रूप से बढ़िया उपजेगा। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है किसी पार्टी से, तो कोई हारने के लिए खड़ा नहीं होता है, सब जीतने के लिए ही खड़ा होता है। और आंसू से खड़ा था, लोगों का उनको मत मिला, समर्थन मिला, तो निश्चित रूप से हर लोग चाहता है, हर लोग की अपेक्षा रहता है कि हम बड़ा दल में जाएं, बड़ा लोगों से संपर्क करें तो हमको बड़ा चीज़ मिलेगा। तो बीजेपी में गए हैं तो जितने के ही उद्देश्य से गए होंगे, लेकिन ये तय तो जनता को करना है ना, और उतना होने के बावजूद भी जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया, और आज गठबंधन की सरकार है, और जो हमारा कैंडिडेट है वो मंत्री है, तो किसी ने भी नहीं चाहेगा कि हमारा मंत्री को खो दे। गंगाराम जी जाते हैं, गंगा नारायण जी, तो वो एक मामूली विधायक बन के रह सकते हैं, लेकिन एक मंत्री को खोने के लिए कोई नहीं चाहेगा। ये जाधव का लीडर नहीं, हर सामाजिक न्याय का, गरीब गुरबा का, जो पिछड़े दलित लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिसके मुंह में बोली नहीं है, उसका नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और आज भी पूरे देश ने लालू प्रसाद यादव जी को ही नेता मानता है, क्योंकि ये गरीबों की बात करता है, गरीबों की, पिछड़ों की, और आरक्षण की बात करता है। तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित लोगों का जो है राजनीतिक करता है, उसका नेता एकमात्र पूरे देश में लालू यादव है। और यादव की जहाँ तक सवाल करते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, यादव अब मूर्ख थोड़ी रहा, सब लोग जानता है। अब यादव का काम है और दूसरे को लेके चलना, और दूसरा का भी वोट ज्यादा दिलाएगा गठबंधन में।